Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today, we will start a new chapter, Simple Machines. So, let's start this chapter. First, we will know about simple machine. Machines, kya hoti hai? Devices that do not use outside sources of energy to make our work easy are known as simple machines. Machines, wo cheeze hoti hai, jo hamare kaam ko aasan banati hai, hamari mehnat ko kam karti hai. ठीक है, उसके बाद सिंपल मशीन्स वो होती हैं जो किसी आउटसाइड सोर्स का, मतलब उनको चलाने के लिए या यूज करने के लिए हमें किसी एनर्जी के सोर्स की जरूरत नहीं होती, वो अपने में ही सफिशियंट होती हैं काम को करने के लिए. ऐसी मशीन्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन्स कहते हैं. ठीक है, सिंपल मशीन्स का यूज हम अपने डेली लाइफ में अक्सर करते हैं. जैसे आप ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स का यूज करते हैं, वो भी सिंपल मशीन का एक एग्जाम्पल है. सीसॉ पे आप खेलते हैं, है ना, उस वो भी एक सिंपल मशीन है. एक सीजर, एक स्क्रू ड्राइवर, ये सभी क्या है? सिंपल मशीन्स है. तो ये आप डेली लाइफ में अक्सर देखते ही रहते हैं अपने आसपास. उसके बाद है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. मतलब सिंपल मशीन्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं. पहले हम जानेंगे लिवर के बारे में. लिवर क्या होता है? लिवर एक सीधा रॉड होता है, वुड का या आयरन का बना हुआ, मतलब एक वुड या आयरन का बना हुआ रॉड होता है जिसे हम लिवर कहते हैं. ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं हम? जैसे अगर कोई हैवी चीज हमें शिफ्ट करनी है या उठानी है, तो हम लिवर के एक कोने को उस हैवी चीज के पास रखते हैं और एक साइड से हम उसे पुश करते हैं. तो इस तरीके से हम लिवर का यूज करते हैं. अब लिवर क्या है? तीन टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर. फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है? अब लिवर जो है वो तीन टाइप के होते हैं. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनमें लोड, एफर्ट और फुलक्रम कहाँ यूज हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिवर कौन से टाइप का है. लोड हम उसको कहते हैं जो भार लग रहा है, जो भार उठाना है या ढकेलना है, उसे हम लोड कहते हैं. फिर उसे उठाने या ढकेलने के लिए, यानी पुश या पुल करने के लिए जो फोर्स हमने यूज किया, उसे हम एफर्ट कहते हैं. और जिसके बेस पर ये टिका रहेगा, है ना, उसे क्या कहेंगे हम? फुलक्रम कहेंगे. ठीक है, एक बार और समझ लीजिए. लिवर का यूज हम किसी भी लोड को उठाने के लिए या पुश करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो जिसको हमें उठाना है या पुश करना है, उसे हम लोड कहते हैं. इसे एल से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो फोर्स हम यूज करेंगे उसे पुश करने में या पुल करने में, उसे हम एफर्ट कहते हैं. और लिवर जिसके बेस पर टिका होगा, है ना, उसे हम फुलक्रम कहते हैं और इसे शॉर्ट में एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? सीसो. आपने सीसो देखा है ना, सीसो के एक साइड पे एक बच्चा बैठा है, दूसरे साइड पे दूसरा बच्चा बैठा है, सेंटर में एक फुलक्रम होता है जिसके बेस पर वो टिका होता है और आप दोनों साइड को अप और डाउन कर सकते हैं, है ना. उसके बाद बैलेंस. बैलेंस यानी तराजू. तराजू में भी सेम चीज होती है, दोनों हाथ होते हैं और सेंटर में एक डंडा होता है उसको सपोर्ट देने के लिए. हैंडपंप भी इसी तरीके से काम करता है और सीजर्स भी ऐसे ही काम करते हैं. ये सभी क्या है? फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड काइंड ऑफ लिवर. सेकेंड काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है स्टूडेंट? सेकेंड काइंड ऑफ लिवर में जो फुलक्रम है, यानी जो बेस है जिस पर वो टिका होगा लिवर, वो यहाँ एक सिरे पर होता है और जो लोड है यानी वेट है वो सेंटर में होता है और जो एफर्ट है यानी फोर्स है वो दूसरे सिरे पर होता है. यानी एक सिरे पर बेस है उसका जिस पर वो टिका हुआ है, दूसरे सिरे से हम फोर्स लगा रहे हैं इसको अपलिफ्ट करने के लिए या डाउन करने के लिए लोड को. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? नट क्रैकर. नट क्रैकर या नट को काटने वाली मशीन, बॉटल ओपनर, डोर हिंज. डोर हिंज क्या होता है? आपने देखा होगा जो डोर है वो चौखट से एक ऐसी चीज की वजह से जुड़ा हुआ रहता है. इसका जो सेंटर में होता है वो लिवर की तरह, फुलक्रम की तरह वर्क करता है और एक साइड पे इसके लोड होता है और एक साइड पे एफर्ट लगता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड काइंड ऑफ लिवर. थर्ड काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है? थर्ड काइंड ऑफ लिवर में एक सिरे पे फुलक्रम लगता है और एक साइड पर लोड रखा जाता है और एफर्ट या फोर्स हम सेंटर में लगाते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? फोर्सेप्स, फिशिंग रॉड, ब्रूम विथ हैंडल. ब्रूम विथ हैंडल का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा ना, एक झाड़ू होता है जिसमें लंबी सी स्टिक लगी होती है और नीचे झाड़ू बना हुआ रहता है, तो वो भी
थर्ड काइंड ऑफ लिवर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई भारी चीज को किसी ऊंची जगह पर चढ़ाने के लिए हम एक लकड़ी का यूज करते हैं, जिसको हम स्लैंटिंग पोजीशन में रखकर फिर उस पर चीजों को मूव करते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इसके अलावा आपने लैडर देखा होगा, स्टेयर्स देखा होगा। स्टेयर्स कैसे होती है? एक स्लैंटिंग पोजीशन में होती हैं, तो जो भी चीज़ ऐसे ढलान में रखी जाएगी और उसका काम क्या है, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर मूव करने में हेल्प करना या ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर मूव करना, ठीक है, इसका काम यही है। तो ऐसे मशीन्स को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है रैम्प। रैम्प क्या होता है? जब किसी गाड़ी में आपको कोई चीज़ चढ़ानी होती है तो आप एक लकड़ी का प्लेन उसके सामने रखते हैं, जिसका एक सिरा गाड़ी पर टच किया हुआ होता है और एक सिरा ज़मीन पर होता है, और उसके थ्रू आप किसी भी सामान को ऊपर आराम से चढ़ा सकते हैं, और उसके थ्रू आप किसी भी सामान को आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसे हम रैम्प कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब होती हैं सीढ़ियाँ। लैडर यानी जो बांस की सीढ़ियाँ होती हैं या लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं। स्लाइड आप सभी को पता है, जो जिस पर आप खेलते हैं उन्हें स्लाइड कहते हैं। हिली रोड यानी पहाड़ पर जो रोड बनी होती है, वो भी ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती हुई या नीचे की तरफ उतरती हुई होती है ना, स्लैंटिंग पोजिशन पे। तो ये सभी क्या है, इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। आप सभी ने अपने घरों में स्क्रू देखा होगा। जो अलग अलग टाइप के स्क्रू होते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। स्क्रू एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसका काम दो चीज़ों को जोड़ना होता है आपस में, ठीक है। और इसका अगला एग्जाम्पल है जैक स्क्रू। जैक स्क्रू देखा होगा आपने, जब गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है उनके अंदर रिपेयरिंग करने के लिए, तो गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए जैक स्क्रू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेज। वेज क्या है? वेज एक ऐसी चीज़ होती है जो इंक्लाइन प्लेन की तरह ही होती है, बट इसमें दो इंक्लाइन प्लेन्स कंबाइंड होते हैं और इनका यूज़ किसी चीज़ को कट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वेज क्या है, इंक्लाइन प्लेन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे इंक्लाइन प्लेन काम करता है वैसे ही वेज भी होता है, बट इसमें दो इंक्लाइन प्लेन आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए होते हैं और ये किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक्स का यूज़ आप करते हैं, यानी कुल्हाड़ी का यूज़ आप करते हैं लकड़ियों को काटने के लिए, नाइफ का आप यूज़ करते हैं फ्रूट्स काटने के लिए और वेजिटेबल्स को काटने के लिए, रेजर का यूज़ करते हैं आप बालों को काटने के लिए, उसके बाद ब्लेड का भी यूज़ करते हैं आप अलग अलग चीज़ों को काटने के लिए। तो वेज का मेन काम क्या है, अलग अलग चीज़ों को कट करने के लिए हम वेजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। आपने अपनी साइकिल में देखा होगा कि साइकिल का जो व्हील है वो ऐसे सर्कल में होता है और उसके सेंटर में एक रॉड लगी होती है, ठीक है। तो उस सेंटर वाले रॉड को हम बोलते हैं एक्सल, और ये जो गोल सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ठीक है, व्हील बोलते हैं। तो व्हील के सेंटर में जो रॉड लगी होती है उसे एक्सल बोलते हैं। व्हील और एक्सल का कॉम्बिनेशन भी एक सिंपल मशीन है, ठीक है। व्हील का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब हमें कोई चीज़ रोटेट करनी होती है, जैसे साइकिल का पहिया, कार का पहिया, तो इन चीज़ों को रोटेट करने के लिए हमें व्हील और एक्सल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्हील और एक्सल का एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक फैन, यानी जो पंखा चलता है वो भी व्हील और एक्सल का ही एग्जाम्पल है। मोटर होती है ना पानी चढ़ाने वाली, उसमें भी व्हील और एक्सल का यूज़ होता है। रिवॉल्विंग डोर, आपने देखा होगा कि कुछ दरवाजे ऐसे 360 डिग्री पूरा घूम जाते हैं, उन्हें हम रिवॉल्विंग डोर कहते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, सेंटर में एक्सल होता है और उसके चारों ओर चीज़ें मूव कर सकती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पुले। पुले क्या होता है, पुले का यूज़ भी हम भारी चीज़ों को उठाने के लिए करते हैं। पुले में सेंटर में एक व्हील होता है और उस पर रोप लगी हुई होती है। जब आप इस रोप को छोड़ेंगे तो चीज़ें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर मोशन करेंगी, और जब इधर आप रोप को खींचेंगे तो चीज़ें अपवर्ड मोशन में लिफ्ट होती हैं। इस तरीके से पुले का यूज़ करते हैं हम भारी चीज़ों को उठाने और रखने के लिए। इसका एग्जांपल है विंडो ब्लाइंड्स। विंडो ब्लाइंड्स क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि किस खिड़कियों पर
यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ होता है और एक रोप लगी हुई होती है। जब इस रोप को खींचते हैं तो यहाँ से पर्दा अपने आप रोल होता हुआ ऊपर की ओर फोल्ड हो जाता है। फिर जब यहाँ से रोप को खोल देंगे तो फिर से पर्दा नीचे आ जाएगा, है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विंडो ब्लाइंड कहते हैं। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। एलिवेटर का यूज किया जाता है ना अलग अलग चीजों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्रेन। क्रेन से भी सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इसका यूज ज्यादातर किस में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सिंपल मशीन खत्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड। अब लास्ट टॉपिक इज स्टूडेंट कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल मशीन कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड मशीन। जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन को एक साथ जोड़कर एक नई मशीन बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड मशीन कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड मशीन का एग्जाम्पल क्या क्या है, सीजर, लॉन मोवर, स्टेपलर, एक्सेट्रा। अब हम आइए सीजर में पहचानते हैं कि कैसे अलग अलग सिंपल मशीन को जोड़ के बनाया जाता है। जो सीजर का हैंडल होता है वो लेवर की तरह काम करता है, यानी इसको पुश करने से कटिंग होती है पेपर की, है ना। तो इसको हम लेवर की तरह यूज करते हैं। यहाँ से दो ब्लेड जुड़ी हुई होती है, यानी इस पर टिका हुआ होता है लेवर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम बोलते हैं। और इसके ब्लेड किसी चीज को काटने का काम करते हैं, यानी ये किसके तरह है, वेज की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेवर, वेज और फुलक्रम को मिक्स करके सीजर बनता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ऐसे ही लॉन मोवर है। लॉन मोवर एक घास काटने की मशीन होती है, ठीक है। उसमें भी लीवर, इंजन, जो कि और कई सिंपल मशीन को मिलाकर बना है, उससे तैयार किया जाता है। स्टेपलर भी लीवर, वेज और फुलक्रम को मिलाकर बनता है। इस तरीके से हमने क्या सीखा आज स्टूडेंट, कि सिंपल मशीन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और सिंपल मशीन से मिलाकर ही कंपाउंड मशीन बनती हैं। इस तरीके से कंपाउंड मशीन और सिंपल मशीन दोनों ही एक दूसरे का फॉर्म है ना। और कंपाउंड मशीन को भी ब्रेक करने पर या खोलने पर उसमें से सिंपल मशीन को हम अलग कर सकते हैं, यानी सिंपल मशीन हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।